सभी का चंचल किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। इसके लिए मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए हैं, साथ में लिए मैंने सौंफ। आप देख सकते हैं मैं आधे से ज़्यादा सौंफ इसमें डाल दूंगी, थोड़ी सी सौंफ बचा लूँगी जिससे मैं तड़का लगाऊंगी। ये सौंफ मैं तब डालूंगी, इस सौंफ में मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के, और मिर्च की 2 चम्मच छोटी वाली, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें जीरा। मैं इन सब चीजों को पीस लूंगी और उसके बाद में मैं अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लूंगी और टमाटर का पेस्ट बना लूंगी। हमने अपना मसाला पीस लिया है, आप देख सकते हैं मैंने ये सूखा पीसा है भी, प्याज ही पीस लिया है और टमाटर ही पीस लिया है। मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे तेल। इसे गर्म होने देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम जो हमने बची हुई सौंफ है वो डाल देंगे, साथ में अपना जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे हम इसमें। अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ में मैं इसमें ऐड कर दीजिए नमक स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद हो। जब तक मेरा मसाला प्याज भून रही है जब तक मैं अपने बैंगन में कट लगा देती हूँ। मैंने बैंगनों में इस तरीके से कट लगा लिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से मसाला भरने के लिए, और हमारी प्याज भी अच्छी तरह से भून गई तो मैं अपना मसाला इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं इस टाइम में इसमें थोड़ा सा आमचूर भी मिला देती हूँ मसाले पे। आधा चम्मच ही करिए और थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, जिससे मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी जिससे इसका फ्लेवर मसाले में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें से मैं थोड़ा सा मसाला निकाल लूंगी बैंगन में भरने के लिए, इसलिए मसाला कच्चा कच्चा नहीं लगेगा और बैंगन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और बैंगन में कच्चापन नहीं आएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपने टमाटर की प्यूरी, इससे हमारी प्यूरी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसे धीमी गैस पर मैं भुजने दूंगी। जब तक मैं अपने सारे बैंगनों में, ये जो मेरे बैंगन है आप देख सकते हैं, इसके अंदर चम्मच से अच्छी तरह से मसाले को फिल कर दूंगी। ध्यान से मसाला गर्म है हमारा, तो हल्के हाथ से आप करते हुए इस मसाले को इस तरीके से इसमें फिल कर दीजिए और इसे ऐसे करके जोड़ के
रखते रहिए। मैं इसी तरीके से सारे बैंगन भर लेती हूँ अपने। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल सूख चुका है, इसमें भी तेल पर छोड़ा नहीं है। और मैंने यहाँ पर अपने सारे बैंगनों में मसाला भर लिया अच्छी तरीके से, पर इसे भी हमें और भूनना है कि जब तक हमारा तेल इसमें से अलग ना हो जाए। तब तक हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। हमारा मसाला भून चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसे साइड में कर लेंगे सारे मसाले को, और गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो। और जो बैंगन हमने भर के रखे हैं वो बैंगन हम बीच में इस तरीके से रख देंगे। ध्यान से कीजिएगा, कढ़ाई गर्म है, हाथ में लग सकती है। और सारे मसाले को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कोटिंग सी कर देंगे। हम इसे पानी नहीं डालेंगे, इसे बिल्कुल धीमी स्लो गैस पे हम इसी तरीके से बनाएंगे। हम एक बार अपने बैंगन चेक कर लेते हैं। इन्हें हम पलट देंगे जिससे दूसरी तरफ की सिक जाए अच्छी तरह से। और इनको आपको गैस स्लो करके ही बनाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। हम अपनी सब्जी को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी पे तेल ऊपर तक आ गया है, हमारी सब्जी यानी बनके तैयार है। अब गैस को कर लेते हैं हम बंद, और थोड़ी देर में करते हैं इसकी प्लेटिंग। हमारी बैंगन की सब्जी बनके तैयार है, भरवा बैंगन की। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको।